वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसकी पहली दो ट्रांजेक्शन हमने कर ली है, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और ये हमारी जो है वीडियो, इसको जो है हम फोर कहेंगे, वीडियो क्लिप हमारा ये फोर है, ठीक हो गया जी। अच्छा, वैसे है स्टूडेंट, जो थर्ड ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन की, उसको मैं रीड करता हूँ, और उसको हम जो है आगे बाकी जो ट्रांजेक्शन है उनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो गया। कंप्यूटर इक्विपमेंट वाज परचेज फ्रॉम पीसी वर्ल्ड 12,000 कैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बड़ा आसान सी बात कि कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो हमने परचेज की है, ठीक है। आप इसको नाम सिर्फ इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के अगर इक्विपमेंट है तो आप कंप्यूटर इक्विपमेंट को सेपरेट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास कंपनी में डिफरेंट इक्विपमेंट आप परचेज करते हैं, ठीक है। तो बड़ा 12,000 कैश में हमने ये परचेज किया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेबिट, कंप्यूटर इक्विपमेंट एक एसेट है तो इसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो कैश है ऑब्वियसली बात है ये भी एसेट है, बट राइट नाउ इसमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कैश क्रेडिट और जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है वो डेबिट हो गया जी, ऑन फ़रवरी 18। अच्छा जी, अब ये ट्रांजेक्शन जरा रीड कर लें। फ़रवरी 18 ऑफिस फर्निशिंग वर परचेज फ्रॉम हाईवे फर्निशिंग एट अ कॉस्ट इज 9,000। अ 1,000 कैश पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ द परचेज, ओके जी, एंड एन एग्रीमेंट वॉज मेड टू पे द रिमेनिंग बैलेंस इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू मार्च 1 एंड अप्रैल 1, ओके जी। हाईवे फर्निशिंग डिड नॉट रिक्वायर दैट हार्टलैंड साइन अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो बहरहाल इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें जो है 9,000 का जो है ऑफिस फर्निश जो है परचेज किया गया, फर्निशिंग फर्नीचर वगैरह में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1,000 जो है कैश पेमेंट की गई, बाकी जो है दो इंस्टॉलमेंट में, आई मीन के 4,4 जो 1,000 है, 8,000 बाकी रह गया ना, 4,4,000 की दो इंस्टॉलमेंट जो कि मार्च 1 में और एक जो है आपकी अप्रैल में जो है, अप्रैल 1 में जो है पे करेंगे कंपनी, ठीक है। फिलहाल जो हुआ हम उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, फिलहाल जो है आपने परचेजेस कर ली हैं, तो आप जो है इसको ऑफिस फर्निशिंग ही नाम मैं दे देता हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ऑफिस फर्निशिंग, ठीक हो गया, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको जी हमने क्या करना है बच्चों, हमने 9,000 से डेबिट करना है, जो कि हमारी परचेज है, और जो कैश है, अब यहाँ पे देखें जो कैश है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्या होना चाहिए, वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए, 1,000 हमने पेमेंट कर दी। अच्छा, बाकी जो आपके पास क्या है अकाउंट, अब इसमें जो है आप इसको अकाउंट पेबल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि प्रिमिजरी नोट जो है उसने नहीं बनाए, उसने कह दिया कि नोट की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जो है एक डील हो गई है, तो हम क्या कर देते हैं इसको सिंपल अकाउंट जो है पेबल कंसिडर कर लेते हैं, और अकाउंट पेबल में हमारा क्या हो जाएगा, 8,000, ठीक है, ये हमने पे करना है, ओके जी। ये आपकी ट्रांजेक्शन, और आगे फेब 22 की हम बात कर लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज वर परचेज फ्रॉम ऑफिस वर्क फॉर 300 कैश, ठीक है। अब ऑफिस सप्लाई परचेज की जा रही है, ठीक है, फ्रॉम ऑफिस वर्क से, और ऑफिस सप्लाईज का जो ये भी एक आपका एसेट है, तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको जो है हम जब तक यूज नहीं करते तो एसेट ही बनाएंगे। तो जी 300 कैश की आपने ये परचेज की है जी। अब इसमें जो है आपके पास ये नेक्स्ट उस पर जा रहा है, चले आपको पता होना चाहिए कैश, ठीक है, कैश हमारा जो है डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 300, ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं। हटलैंड डिस्कवर दैट इट पेड टू मच फॉर द कंप्यूटर प्रिंटर परचेज ऑन द फ़रवरी 16। 16 फ़रवरी में आपने कोई प्रिंटर परचेज किए थे, और उसमें बाद में उसको पता चला कि ही पे द एक्स्ट्रा अमाउंट कंप्यूटर प्रिंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, द यूनिट शुड हैव कॉस्ट ओनली जस्ट 359, बट हर्टलैंड वाज चार्ज 395, ठीक है। तो पीसी वर्ड प्रॉमिस टू रिफंड द डिफरेंस विद 7 डेज। अच्छा, अब इसमें ये हुआ कि पीसी वर्ड ने हमें 395 का दिया, वैसे मार्केट प्राइस, या बाद में हमें डिस्कवर हुआ कि 359 प्राइस है, और उसने बिल जो बना के दिया, ठीक है, और उस बिल के अकॉर्डिंगली जो है 395 हमसे रिसीव किए, जो कि एक इजाफी है, ठीक है।
तो उसमें फिर क्या है, जब पिछली वर्ड से बात की तो उसने प्रॉमिस किया कि 7 डेज में आपका जो भी एक इजाफी अमाउंट है वो आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं कि एक किस्म का देखें, आपने उसको पेमेंट करनी थी अगर परचेज किया हुआ था, ठीक है, तो हम फिर उसको कर लेंगे अकाउंट हमने लेने हैं क्योंकि हम इसको परचेज कर चुके थे बाय कैश, ठीक है, तो हमने अब पीसी वर्ड से जो है पैसे लेने हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जी। और वो अच्छा, इनका क्या है, आपको बेसिकली क्या करना होगा, 395 था, माइनस करना है क्या, 359, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो फिर 36 है, देख लें आप लोग करके, 36 हमारा जो है हमने रिसीव करना है। और ये हमारा कौन देगा हमें जी, कंप्यूटर, ठीक है, और इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, प्रिंटर वगैरह, हाँ जी ठीक है, कंप्यूटर इक्विपमेंट की आपने 12,000 की जो ट्रांजेक्शन की थी ना उसमें ये वैल्यू अब आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो वर्थ है अब आपकी 12,000 की बजाय 36 जो है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो ये आपको कंप्यूटर इक्विपमेंट एक एसेट को डिक्रीज करने का मकसद ये था, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे जो है आगे 27 है, मेल हाईवे फर्निशिंग दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन दी अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस फर्निशिंग परचेज ऑन फरवरी 18 जी, उसने जो है मेल की है, मेल हाईवे फर्निशिंग फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन अ अकाउंट पेबल, ठीक है, और फर्निशिंग ऑफ, अच्छा 18 फरवरी में आपने जो फर्निशिंग परचेज किया था तो उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मेल कर दी गई है, तो इट्स मीन कि आपने मेल से मुराद भेज दी है उसकी तरफ, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई, तो क्या कर दें, अकाउंट पेबल आपने बनाया था, अकाउंट पेबल में 8,000 था, अब पहली इंस्टॉलमेंट में कितना दोगे, 4,000, तो ये क्या है, किस कैसे दोगे, अब इसलिए बात है कैश में देंगे ना, ठीक है, तो कैश हमारा जो है 4,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, रिसीव 36 फ्रॉम पीसी वर्ड इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड ऑन फरवरी 23, ये जो ऊपर आपके पास 23 यही है जो हमने एक अकाउंट रिसीवेबल बनाया था, तो वो कहता है वो आपने फुल जो है पेमेंट, सेटलमेंट पेमेंट जो है रिसीव कर ली है, तो अब उसको जो है रिसीव कर लिया, तो कैश हमारे पास आ गया, अब लिख देते हैं क्या जी, कैश, ठीक है, कैश हमारा जो है 36 डेबिट, और ये अकाउंट अकाउंट जो है रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल ये आपका 36 जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास जो एक रिक्वायरमेंट थी कि हमने प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज की हैं, ठीक है, और उसमें जो एप्रोप्रिएट अकाउंट है ये भी आपने देखे होंगे, ठीक है, तो ये हमारे लेसन प्लान का हिस्सा। और अच्छा, ये तो मैंने एक एक ट्रांजैक्शन को आपके सामने रख के सॉल्व किया, नॉर्मली आपको ऑब्वियसली बात है एक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, एक जो है आपको वाउचर पे ये सारी ट्रांजेक्शन करनी होती हैं, तो उसमें ये आपके पास एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट में जो है ये हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है आप अपने लिए व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्वेश्चन था, हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो हमने अब तक ट्रांजेक्शन की हैं उसकी कंप्लीट जो है हमारी जर्नल एंट्रीज जो फरवरी 1 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, हाँ जी, यही थी कैश, कैपिटल स्टॉक, ठीक है, 500,000, और लैंड बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारा 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख टोटल ये हो गया था 60,240, ओके जी। ये सारी की सारी आपकी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इनको आपने किया, और जो लास्ट हमारे पास जो ट्रांजेक्शन थी वो भी देख सकते हैं 3600, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मेट है जिसमें आपने क्या करना है, एक साइड पे सीरियल नंबर या डेट लिख लेनी है, जो दूसरी साइड पे है उसके जो पर्टिकुलर्स के नाम है, जो जो अकाउंट हम अपनी ट्रांजेक्शन में यूज कर रहे हैं वो लिख लेने हैं, और ये आपके पास जो है जिस तरह ये देखें, पहली जो ट्रांजेक्शन है इशू 25,000 शेयर ऑफ कैपिटल, ये
थोड़ा सा ये समझ लें कि डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन नोट इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलिए ये हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं बात करता हूँ, और उसमें हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया है, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें असाइनमेंट भी, और इन दोनों की जो है हम बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।